ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में देश की तीसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ यात्रा निकलती है। उदयपुर में भी 7 जुलाई रविवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए भगवान जगन्नाथ के रथ को 80 किलो चांदी से बनाया गया और सजाया गया है। इसके साथ ही रथ यात्रा के लिए बाकी तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया गया है। उदयपुर में निकलने वाली रथ यात्रा धर्मोत्सव समिति के दिनेश मकवाना और रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र शिमाली ने बताया कि रथ को पिछले 2 महीने से तैयार किया जा रहा है। यह यात्रा 4 धामों की यात्रा के बराबर होती है। यह यात्रा पुराने शहर का चक्कर लगाकर पुनः जगदीश मंदिर आती है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की महाआरती होती है। भगवान जगन्नाथ के पुराने रथ को बिना किसी नुकसान के नए रूप में बनाया गया है। रथ में पहले 49.700 किलो चांदी के रथ से बनाया गया था, लेकिन अब इसमें 30 किलो चांदी और जोड़ी गई है, यानी रथ में 80 किलो चांदी इस्तेमाल की गई है। भगवान के सिंहासन को यथावत रखा गया है। नए खंभों पर हैदराबादी नक्काशी की गई और रथ के शिखर के कलश पर सोने का वर्क किया गया है। जगदीश मंदिर से निकलने वाली यात्रा में रथ में प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता लक्ष्मी, दानी राय जी के साथ विराजित होकर शहर के विभिन्न स्थानों के भ्रमण पर निकलेंगे। जगदीश चौक से रथ यात्रा रवाना होगी। रथ को भक्त रस्सी से खींचकर भगवान को नगर भ्रमण कराएंगे। भगवान को रजत रथ में विराजित करने के बाद यह रथ पूरे शहर का भ्रमण करता है। विभिन्न मार्गों में करीब 21,000 से ज़्यादा केसरिया झंडे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। कई झांकियां इसमें देखने को मिलती है, तो कई जगह संगठन और व्यापारियों द्वारा काउंटर लगाया जाता है और भगवान का प्रसाद वितरण किया जाता है। दिनेश मकवाना ने कहा कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ रविवार को 3 बजे रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। जो भाई जी भाई साहब, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या क्या खास है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है लगभग, और प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन किया जा चुका है। किसी प्रकार की भी वर्तमान में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, परंतु शाम को समिति के पदाधिकारी एक बार पुनः रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन करेंगे। जहाँ कहीं भी कमी होगी उसका कमी को नोटिस करते हुए तुरंत प्रभाव से दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बार की रथ यात्रा बहुत ही भव्य रथ यात्रा होने वाली है। समाज और संगठनों में भारी उत्साह है। पूरे रथ यात्रा मार्ग में 280 से अधिक स्टॉल लगेगी, जिसमें भक्तों के स्वागत का व्यवस्था रहेगी। रथ यात्रा की सभी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है और कल शाम को 3:30 बजे भगवान पूरे लवाजमे के साथ धूमधड़ाके से जनता में अपार उत्साह के साथ ये रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जो नियमित जो निर्धारित मार्ग है, उस मार्ग से रात 3:30 बजे रवाना होगी और रात्रि को 11-11:30 बजे के आसपास पुनः जगदीश मंदिर पहुँचेगी और इसके साथ ही महाआरती के साथ रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। हाँ, मैं कैलाश कुमार जी का समिति सदस्य हूँ। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमने कुछ नया चेंज बदलाव किया है और घोड़े को सुंदरता देने के लिए इसमें गोल्ड के बलक लगाए हैं ताकि शाइनिंग रहे, और इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मौसम के हिसाब से सब सूख गया टाइम पे, तो आज इसमें और थोड़ा छोटा मोटा काम बाकी है, तो वो सब कार्यकर्ता दोबारा चला जाएगा। और इसको सजावट पूरी हो चुकी है, रथ की पॉलिश हो चुकी है और कल के लिए तैयार है रथ यात्रा के लिए।